सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, सामने स्क्रीन पे आ रहा श्री रायलसीमा हाइपो, श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, थर्ड टाइम जेम में क्वालिफाई हो रही है। 17 दिसंबर 2020 में दिया था 245 के रेंज में, टारगेट अचीव हुए थे। फिर 13 अक्टूबर 2021 और उसके बाद अब 2022 में दे रहा हूं। और सबसे बढ़िया बात है, हर बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, जब पहली बार दिया तब तो ये 14 करोड़ कमाने वाली, 17 करोड़ कमाने वाली कंपनी थी। सेकेंड टाइम दिया तब ये 21 करोड़ 27 करोड़ कमाने वाली कंपनी थी। इस बार 37 करोड़ का पैट है। और अब देखिए, मैं ग्रुप के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। जो प्रमोटर है मिस्टर टीजी वेंकटेश, उनका मैं क्वालिफिकेशंस और ये सब देख रहा था, तो वो काफी सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, फिक्की अवार्ड, केमेक्सिल का अवार्ड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, बट उससे भी ज्यादा जो सबसे बढ़िया बात है, बेस्ट सेल्स टैक्स पेयर अवार्ड भी इनको मिला होता है। उससे कमिटमेंट पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन है। तो ये एक बहुत बढ़िया मुझे लगी चीज। अब दूसरी बात यह है, एक फ्रंट रैंकिंग प्रोड्यूसर है ये मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड का। और देखिए, ओवरऑल जो इनके इनऑर्गेनिक केमिकल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में ये जो काम कर रहे हैं, 3-4 प्लांट्स है कंपनी के, तो इन सब से काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था मैं, तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स भी इंप्रेसिव है, जो कि A1, A- और A1 आ रहा है, तो उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस आता मुझे। और कंपनी की देखिए, एक दूसरी कंपनी में वहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स है, TGV SARCC। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 7 के P/E multiple पे स्टॉक काम कर रहा है और एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, नेग्लिजिबल डेट्स है, 28 करोड़ का खाली पैट है, सॉरी डेट्स है, तो 0.05 डेट टू इक्विटी रेशियो। और उसके सामने देखिए, आप इतना सस्ता वैल्यूएशन, चूंकि इनऑर्गेनिक और केमिकल्स के स्टॉक्स थोड़े से कई बार सस्ते वैल्यूएशन में मिलते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26-27%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21%, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की अगर, जैसा कि मैंने कहा, 3-4-5 क्वार्टर्स गजब के गए हैं, तो 75% की कैगर रही है प्रॉफिट की, सेल्स की कैगर 28% पिछले 5 साल में। तो इस तरीके की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। और 14 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने 37 करोड़ का पैट, मोर देन डबल, और लास्ट क्वार्टर में भी 27 करोड़ का पैट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहा था, तो उसमें प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग करीब 62% के लगभग स्टेक है, तो मुझे लगता है कि, और FIs DIs भी थोड़े थोड़े अब ले रहे हैं इसमें शेयर होल्डिंग, और कुछ इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हो रहे हैं। सो ओवरऑल इस स्टॉक को मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और टारगेट जो है 490 का दें, और ऊपर के लेवल से 523 का दिखाया हुआ है कुछ दिन पहले। तो ये है आपके लिए श्री रायलसीमा हाइपो, जहां पर जैन साहब की खरीदारी की राय और बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीद। जैन साहब, आपने इतनी रिसर्च की इसमें, एक चीज और मुझे बताइए, इस कंपनी का नाम इतना लंबा क्यों है? एक तो देखिए, ये टीजीबी मतलब इनकी दूसरी कंपनी का नाम भी ऐसा है, श्री रायलसीमा, तो जो रायलसीमा है वहां पे होती होगी, श्री और लगा रहे हैं, फिर हाई स्ट्रेंथ के ये लोग जो केमिकल्स बनाते हैं, हाँ। तो वो हाई स्ट्रेंथ वाले केमिकल्स बना रहे, इसीलिए डाला। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ने की और भी कोशिश की थी, बट और हाइपो इन्होंने साथ में और लगा दिया। अब इसके ऊपर और रिसर्च करता कि व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड हाइपो, और आखिर का लिमिटेड वो भी बता दो, वो तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो लगाना ही पड़ता है, ओके। तो ये है लंबे नाम वाली कंपनी श्री रायलसीमा, जैन साहब की पसंद का शेयर, 490 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी।